चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा आज नीतीश कुमार के घर नालंदा पहुंची और नालंदा में खूब जन सैलाब सड़कों पर दिखा, जिसको लेकर के चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया कि आने वाला समय बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ बिहार की तकदीर वो बदल देंगे। नीतीश के घर में घुसकर चिराग पासवान ने नीतीश की बखिया उधेड़ दी और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। दावे के साथ कह सकता हूँ कि नालंदा जिला ने पूरी तरीके से विजय श्री का आशीर्वाद चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी को दे दिया। जो हुजूम आज निकला है, मुझे टोकिएगा आप लोग अगर मैं किसी बड़े शब्दों का इस्तेमाल करूँ या कोई बहुत बड़ी बात कहूँ तो मुझे टोकिएगा, क्योंकि आप सबके कैमरा साक्षी है। ऐसा जनसैलाब हाल फिलहाल के वर्षों में मैंने किसी पार्टी किसी नेता का मैंने ऐसा नहीं देखा। इतना भव्य स्वागत, इतना अपार जनसैलाब, ये अपने में दर्शाता है कि आज की तारीख में पूरी बिहार की जनता ने, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, युवतियां हो, युवा साथी हो, जितने भी हो, और हर जात पात धर्म मजहब से उठकर हर किसी ने अपना मन बना लिया है कि आने वाला समय बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का है, लोक जनशक्ति पार्टी का है। ये दावे के साथ बिहार की जनता आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, आज मैं उनके गृह जिला में बैठा हूँ, यहाँ पे आप सड़कों की हालत देखिए, यहाँ पे विधि व्यवस्था को आप देखिए, एक मुझे कोई नालंदा का मुझे व्यक्ति आप दिखा दीजिए नालंदा जिला का जो बोले कि बिना घूस लिए भैया हम लोग का कोई काम होता है। हर सरकारी योजना में, हर सरकारी काम में बिना घूस के, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता, और यही कारण है कि सालों से योजनाएं लंबित पड़ी हैं। कहने के लिए सिर्फ भ्रष्टाचार की बात नहीं करूंगा, जो मुख्यमंत्री बोलते हैं ना जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये करप्शन के लिए इनका टॉलरेंस है, क्राइम के लिए इनका टॉलरेंस है। भाई कटिहार में हम लोग के सिटिंग मेयर, उनको गोली मार दी जाती है जब वो मंदिर जा रहे होते हैं, ये इनका क्राइम के प्रति इनका जीरो टॉलरेंस है। और ऐसी कोई एक हत्या मुझे बता दीजिए, ऐसी कोई एक हत्या जिसमें मुख्यमंत्री गए हों पीड़ित परिवार से मिलने, इनके शासन में हत्याएं होती जा रही हैं, आप पीड़ित परिवार के जाके आंसू तक पहुंचना आप जरूरी नहीं समझते? इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं यहाँ पे, अपराध हो जाते हैं। हम लोग गए थे, बेतिया गए थे, वहां पे सोचिए 16 परिवार के लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। भाई शराबबंदी कानून है ना यहाँ पर, कहाँ से आ रही है जहरीली शराब? तस्करों को मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहे हैं कि इनकी सरकार संरक्षण दे रही है, या इनके संरक्षण में लोकल स्थानीय शासन प्रशासन उसको पनपने दे रहा है? हर किसी को पता है कि हर गांव में खुलेआम शराब मिलना तो दूर की बात है, भैया आप लोग भी इससे अनजाने नहीं है, आप लोग भी जानते हो, मैं चाहूंगा कि आप लोग सही बात बोलते रहे, होम डिलीवरी हो रही है शराब की। अगर ये सबको पता है, 12 करोड़ बिहारी को पता है, तो क्या एक बिहारी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हवा महल में बैठे उनको नहीं पता कि शराबबंदी कानून की कैसे धज्जियां उड़ रही है और तस्कर नए नए पैदा हो रहे हैं, और कहां जा रही है तस्करी का पैसा? तो आपने सुना, सीधे तौर पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के घर में घुस करके उनके खिलाफ ही कई सारी बातें जो है वो बोली। जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जिस तरीके से शराब की सप्लाई की जा रही है पूरे बिहार में, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा और कह दिया है कि आने वाला समय जो है वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ बिहार बदलने वो निकल चुके हैं और बिहार जो है वो बदल कर रहेंगे। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।